प्यार खत्म रोजगार खत्म, प्यार खत्म रोजगार खत्म, पर परिवार की है जिम्मेवारी। घर में पड़े हैं खाने के लाले और सरकार करती नए नोट जारी। हमने जिस सरकार को चुना, हमने जिस विधायक को चुना, हमने जिस सांसद को चुना, उन्होंने हमारे लिए नीति नहीं बनाया, उन्होंने हमारे लिए कोई नियम नहीं बनाया। पढ़ने के लिए निकलता है तो उसके मन में, उसके पूरे परिवार के मन में, उसके पूरे समाज के मन में ये उत्साह आती है कि मेरा बच्चा अगर बाहर पढ़ने जा रहा है तो कुछ ना कुछ अच्छा करेगा, कोई ना कोई सरकारी जॉब लेगा। ये बात सत्य है कि नहीं? सभी के गार्जियन के मन में या सभी ग्रामवासी के मन में एक चीज जरूर होता है कि अगर ये बच्चा गांव से निकल के बाहर जा रहा है तो मतलब सरकारी नौकरी लेके आएगा, ये दृढ़ निश्चय करके जाता है। लेकिन वो आठ व आठ के कमरे में रहने के बाद भी, 5 साल 10 साल तैयारी करने के बाद भी उन्हें ये खलने लगता है कि हमने जिस सरकार को चुना, हमने जिस विधायक को चुना, हमने जिस सांसद को चुना, उन्होंने हमारे लिए नीति नहीं बनाया, उन्होंने हमारे लिए कोई नियम नहीं बनाया। जो हर एक साल नियोजन के आधार पे हम लोग को सही प्राथमिकता मिले और हम लोग वैकेंसी को फाइट करके, एग्जाम को फाइट करके हम लोग को पद में पद स्थापित हो, ये चीज नहीं हो पा रहा है। सिर्फ और सिर्फ मिस्टेक है तो सिर्फ हम लोग सरकार को गलत तरीके से चुन रहे हैं, गलत लोग को बना रहे हैं। इसमें जब तक हम लोग नहीं बदलेंगे तब तक एक युवा कभी भी, एक परिवार जो सोच के पढ़ाता है युवा अपने बच्चे को, कभी भी अपना हासिल नहीं कर पाएगा मुकाम को। ये चीज मानते हैं कि नहीं? और एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर एक गरीब का बच्चा घर से पढ़ने निकलता है और वो दौड़ने में तेज होता है तो उसके मन में एक जिज्ञासा होता है कि हमर बेटवा जिला पुलिस बनतो चाहे आर्मी में जीतो। लेकिन आप देख लीजिए ना, इस सरकार के द्वारा जिला पुलिस की बहाली 5 साल में हुई है, ना ही राज्य केंद्र सरकार के द्वारा अभी अभी तक ये जो अग्निवीर लाया गया है ये 5 साल पंचवर्षीय योजना की तरह कर दिया गया है, 5 साल में एक बार देती है। क्या यहाँ के युवाओं के लिए ठीक है? ये ठीक है? और जब युवा डिफेंस में छटता है और अगर वो पढ़ने में तेज रहा होता है तो बच्चे और समाज के लोगों के मन में यह होता है कि चलो ये बच्चा रेलवे में जाएगा। जब वो रेलवे के लिए तैयारी करता है तो रेलवे का भी एग्जाम देख लीजिए, उसमें भी वैकेंसियां कम हो रही है और उसमें भी एग्जाम का वैकेंसी 5 साल में एक बार आ रही है। क्या ये सही है? इसी तरह से जब वो बच्चा रेलवे भी नहीं फाइट कर पाता है, जब उम्र उनका ज्यादा होने लगता है तो बच्चा जाके बीएड करता है जिसके पास किसी तरह का पूंजी होती है, घर के परिवार में अगर अधिक अगर थोड़ा बहुत पैसा रहा तो अपना बीएड करते हैं ताकि शिक्षक बनेंगे, शिक्षक वो 40 साल तक भी बनते रहेंगे। क्या शिक्षक की बहाली अभी तक आई है? अभी आई है लास्ट लास्ट में। क्यों? क्योंकि अभी इलेक्शन है, वोट लेना है, फिर 5 साल उनको सोना है। तो क्या इस बार हम लोग इस तरह का मिस्टेक करेंगे? यहाँ जितने भी उपस्थित हैं सब युवागण हैं, ये चीज हम लोग को निश्चय करना होगा। ना हम लोग को दारू मुर्गा में बिकना होगा, ना ही हम लोग को किसी के बहकावे में आना होगा। हाँ भली भांति हम लोग हर गांव में सभा करके या नुक्कड़ नाटक करके लोगों को समझाना होगा कि हम लोग क्यों नहीं आज सरकारी जॉब में। मैं इसी चीजों, इसी बात को एक पोएम के माध्यम से रखना चाह रहा हूँ आप लोग के बीच, जिसका शीर्षक है बेरोजगारी। रहता था मैं आज्ञाकारी, रहता था मैं आज्ञाकारी, पढ़ता था किताबें ढेर सारी, खत्म हो गई सारी की सारी क्योंकि लगा मुझे बेरोजगारी की बीमारी। करता था मैं एग्जाम की तैयारी, करता था मैं एग्जाम की तैयारी, सरकार बनी रिक्तियां आई, सब हम सब ने भर्ती भारी भारी, पता चला रद्द हो गई रिक्तियां हमारी क्योंकि लग चुकी थी नियोजन नीति की बीमारी। प्यार खत्म रोजगार खत्म, प्यार खत्म रोजगार खत्म, पर परिवार की है जिम्मेवारी। घर में पड़े हैं खाने के लाले और सरकार करती नए नोट जारी। सोचता था बसाऊंगा घर, यस करूंगा मैं उस पर, सोचता था बसाऊंगा घर, यस करूंगा मैं उस पर, पर रह गया हूं ब्रह्मचारी क्योंकि लगा मुझे बेरोजगारी की बीमारी। छोड़ गए सब यारी वारी, छोड़ गए सब यारी वारी, जब बोझ बढ़ गए जिंदगी के भारी, रहता था मैं आज्ञाकारी, रहता था मैं आज्ञाकारी। धन्यवाद। युवा मोर्चा जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद, जय भी कैसा जिंदाबाद, टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद, टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद।